हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ और मजबूरी बस बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि पॉलिटिकल मैं नहीं चाहता था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ये मजबूरी बस बना रहा हूँ। ये दुखद बात है कि आज हमारे बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाई गई है, जिसमें एक कार्यकर्ता की, बीजेपी नेता कार्यकर्ता जो कि ये, उनकी मौत हो चुकी है। और कहाँ कहाँ ये तो पता नहीं है, लेकिन मौत हो चुकी है और बहुत लोग की पिटाई भी किया गया है। ये हमारे नीतीश चाचा, जिनको पलटू चाचा कहते हैं, फिर वो हो सकता है कि वो बीजेपी में भी आ जाएंगे पिटवा कर, मरवा कर। तो सबसे पहले तो मैं बीजेपी से आग्रह करूँगा कि आप कभी नीतीश के साथ है कभी मत आइएगा। थोड़ा सा लाज शर्म आप लोग के अंदर होगा तो इसके साथ कभी भी मत आइएगा आप लोग। और ये पलटू चाचा जी के चक्कर में जो पड़ेगा वो बर्बाद होगा। पलटू चाचा से तो एक वो गुंडा मवाली जो है पकड़ाता नहीं है। कभी आप लोगों ने किसी चोर बदमाश को पुलिस के हाथों मरते हुए नहीं सुना होगा, कभी नहीं मरा होगा लोग। लेकिन आम आदमी की मौत हो सकता है पुलिस के हाथों मार खा कर, कार्यकर्ता की मौत हो सकता है मार खा कर, लेकिन एक चोर गुंडा को नहीं। एक चोर, एक सजा सजा भुगती आदमी के लिए कानून बदल कर लोग छुड़वा सकते हैं। ये हमारे नीतीश चाचा, यानी जिनको हम पलटू चाचा कहते हैं, कभी भी पलट कर हो सकता है। अभी कुछ दिन चर्चा में ही थे, आज तो जो गया, चाहे किसी भी पार्टी को हो। आज मान लीजिए राजद का थी कोई कार्यकर्ता हो और उसको पिटवा के उसकी मृत्यु करवा दीजिए, ये कहाँ का न्याय होगा? वो कार्यकर्ता है, नेता है, ठीक है, वो प्रदर्शन कर रहा है, तो इसका मतलब ही नहीं कि ढंग के मार के मुंडवा दीजिएगा। ये आपको हक किसने दे दिया? कानून को किसने हक दे दिया? दोस्तों, इसका बदला 2024 और 2025 में जरूर लेना होगा। प्रण ले लो आज कि उस कार्यकर्ता की मौत बाँव नहीं जाएगी। लेंगे जरूर, 2024-25 में इसका बदला जरूर लिया जाएगा। पलटू चचा को पलट के ऐसे पलट पलट देना है, वो ऐसे मुंह के भरे गिरे कि फिर जिंदगी में वो कभी नहीं उठे, ऐसा करना है दोस्तों। आज वो जिस घर के, आज वो निकला होगा, घर से निकले होंगे व्यक्ति, मैं जा रहा हूँ आज प्रदर्शन में, आज उस बच्चे के घर के लोगों की क्या हाल होगी, ये हम और आप सभी लोग को समझना चाहिए। और जात पात से उठकर किसी को सपोर्ट करें, ऐसे लोगों का सपोर्ट कभी मत कीजिए जो घोटालेबाज हो। आज तो फिर, आज हमारे बिहार में जंगल राज है, लेकिन जाति के नाम पर फिर भी लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, ऐसा मत करो, समझदार बनो और सोच समझ के वोट करो और 24 में 25 में जवाब दो इस कार्यकर्ता के लिए।